वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का गुरुकुल स्टडी टेंपल चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग क्लास टेंथ की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर फर्स्ट का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की तैयारी करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन और आंसर आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई पड़ने वाले हैं। तो सीधा चलिए हम सभी लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड एमसीक्यू क्वेश्चंस क्लास टेंथ इंग्लिश विथ आंसर। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, देखिए आप सभी लोग। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के समक्ष आ चुका है। द पोस्ट मास्टर टू हेल्प लैंचो बाय गिविंग हिम एज ए रिप्लाई फ्रॉम गॉड। ऑप्शन ए है मनी, ऑप्शन बी है क्रॉप्स, ऑप्शन सी लेटर, ऑप्शन डी गोल्ड। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द पोस्ट मास्टर टू हेल्प लैंचो, यानी कि यह पोस्ट मास्टर लैंचो का हेल्प करने के लिए बाय गिविंग हिम उसको दे करके। अब देखिए डॉटेड लाइन है, एज ए रिप्लाई फ्रॉम गॉड, भगवान के तरफ से जवाब दिया था। क्या चीज़ दिया था, मनी दिया था कि क्रॉप्स दिया था कि लेटर दिया था कि गोल्ड दिया था। सही ऑप्शन आप सभी लोगों को बताना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, आंसर नंबर ए, यानी कि मनी दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन, इस लेसन में व्यंग क्या है। लैंचो वाज सैड आफ्टर द हेल स्टॉर्म इवन दो ही वाज द वन वेटिंग फॉर ए शावर। बी नंबर है, पोस्ट मास्टर लाव्ड एट लैंचो बट स्टिल हेल्प्ड अरेंज मनी फॉर हिम। ऑप्शन नंबर सी, लैंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम। देयर इज नो आयरनी, कोई व्यंग नहीं है। तो चारों में से क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी, लैंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। लैंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के ऊपर दोष लगाया था, हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम, जो वास्तव में उसकी सहायता किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यही व्यंग है इस लेसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। ऑप्शन ए है बॉटम ऑफ द हिल, ऑप्शन बी है टॉप ऑफ ए हिल, ऑप्शन सी टॉप ऑफ ए प्लेट्यू और ऑप्शन डी है इन ए सिटी। तो उसका लैंचो का घर कहाँ स्थित था, ऑप्शन नंबर बी टॉप ऑफ ए हिल, यानी कि पहाड़ी के चोटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो की आशा किस चीज़ के लिए थी। ऑप्शन ए गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, ऑप्शन बी है ए न्यू मोटरसाइकिल, ऑप्शन सी ए ट्रैक्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ ए बब, ऊपर में से कोई नहीं। तो क्या उसकी आशा थी, ऑप्शन ए राइट है, ए गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, यानी कि उसकी फसल के लिए एक अच्छे बरसात की आशा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। ऑप्शन ए बॉटम ऑफ द हिल, ऑप्शन बी टॉप ऑफ ए हिल, ऑप्शन सी टॉप ऑफ ए प्लेट्यू, ऑप्शन डी इन ए सिटी। तो ऑप्शन बी सही है, टॉप ऑफ ए हिल, यानी कि लैंचो का घर टॉप ऑफ ए हिल यानी कि पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, द स्टोरी सेट्स इन लैटिन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया यूरोप अफ्रीका। तो ये कहानी किस भाषा में है, तो लैटिन अमेरिका है, यानी कि अमेरिका के लैटिन भाषा में इसको प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लाव्ड बिकॉज ही रिसीव्ड ए पार्सल ही हैड इरिटेशन। द पोस्टमैन सेड समथिंग द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड। तो इसमें क्यों पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय यहाँ से थे, क्योंकि जो लेटर था वह भगवान के पते पर था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वाट वॉज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लैंचो, यानी कि वो एकमात्र चीज़ क्या थी जो लैंचो के अनुसार धरती को आवश्यकता थी, या शावर, स्नोफॉल, स्ट्रांग विंड्स, सनलाइट। तो धरती को किस चीज़ की आवश्यकता थी, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, शावर यानी कि बरसात की, स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी की, स्ट्रांग विंड्स प्रबल हवाओं की, सनलाइट धूप की। तो धरती को किस चीज़ की आवश्यकता थी, ए शावर, ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। लैंचो स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर टू गॉड ऑन मंडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग, संडे आफ्टरनून। किस समय लैंचो ने एक पत्र भगवान को लिखा था, ऑप्शन ए क्या है, मंडे मॉर्निंग, ऑप्शन बी संडे मॉर्निंग, ऑप्शन सी सैटरडे मॉर्निंग, ऑप्शन डी संडे आफ्टरनून। आप सभी लोग बताइए क्या जवाब सही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिए आप सभी लोग, जिससे पता चलता रहे। तो ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर संडे मॉर्निंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर मीन्स दैट, यानी कि डॉटेड विथ फ्लावर का क्या मतलब होगा, ऑप्शन ए नॉट ए सिंगल फ्लावर वाज बिगर देन ए डॉट, ऑप्शन बी है द फ्लावर वेयर स्कैटर्ड अक्रॉस, ऑप्शन सी है द फ्लावर्स वेयर इन शेप्ड लाइक डॉट्स, और ऑप्शन डी है द फ्लावर्स हैड श्रंक इन साइज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है, द फ्लावर्स वेयर स्कैटर्ड अक्रॉस, यानी कि पूरे खेत में फूल फैले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, ऑप्शन ए गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, ऑप्शन बी ए न्यू मोटरसाइकिल, ऑप्शन सी ए ट्रैक्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए सही है, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, यानी कि लैंचो की जो आशा थी ए गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, यानी कि उसे अपने खेत के लिए, अपनी फसल के लिए एक अच्छे बरसात की आवश्यकता थी, वही उसकी आशा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। व्हाई डिड लैंचो नीड मनी, लैंचो को मनी की आवश्यकता, धन की आवश्यकता क्यों थी, टू बाई अ ट्रैक्टर, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, टू बाई अ न्यू फोन, टू बाई अ बफेलो। तो ऑप्शन नंबर बी टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, यानी कि अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए लैंचो को धन की आवश्यकता थी, न कि ट्रैक्टर खरीदने, भैंस खरीदने अथवा फोन खरीदने के लिए धन की आवश्यकता थी। उसे किस चीज़ के लिए आवश्यकता थी, अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु डज लैंचो हैव कम्प्लीट फेथ इन, तो ऑप्शन ए क्या है हिज वाइफ, ऑप्शन बी क्या है द पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी वन ऑफ द फार्मर, ऑप्शन डी द गॉड। तो राइट आंसर क्या है, उसका फेथ गॉड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लैंचोज फील्ड, लैंचो के खेत में कौन सी फसल उगी हुई थी, ऑप्शन ए कॉर्न, ऑप्शन बी बार्ली, ऑप्शन सी राइस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए क्या था, कॉर्न की फसल उगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, हाउ डिड लैंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट बाय विजिटिंग देम पर्सनालिटी थ्रू अ लेटर, थ्रू ईमेल, थ्रू फैक्स। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी थ्रू ए लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन साल्ट, लोकस्ट, शुगर, आइस, यानी कि ये जो खेत था कैसा दिखाई ढका हुआ पड़ा था, किस चीज़ से, तो साल्ट से ढका हुआ दिखाई पड़ा था जब बर्फबारी हुई थी। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा खेत किससे ढका हो, साल्ट से ढका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हाउ मच मनी वाज द
पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, कितने रुपए पोस्ट मास्टर अरेंज करने में क्या हुआ था, समर्थ हुआ था, एबल हुआ था। 100 पे 100 nil, 1000 पे 100, 70 पे 100। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 70 पे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन में क्या लिखा, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लैंचोज लेटर, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लैंचोज लेटर, पोस्ट मास्टर लैंचो के लेटर का जवाब देने का निश्चय क्यों किया। ऑप्शन ए है ही वाज ए गुड मैन, ऑप्शन बी है ही फेल्ट इम्फैटिक, और ऑप्शन सी है टू प्रिजर्व लैंचोज फेथ इन गॉड, और डी ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन सी सही है, टू प्रिजर्व लैंचोज फेथ इन गॉड, यानी कि भगवान का भी भगवान में लैंचो का विश्वास बना रहे, सुरक्षित रहे, इसलिए पोस्ट मास्टर ने लैंचो की सहायता करने का निश्चय किया था, उसके पत्र का जवाब देने का निश्चय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस बिफोर यू ऑन द स्क्रीन, लैंचो वाज एक्सचेंजिंग द लेटर थ्रू विथ गॉड, ऑप्शन ए रेल, ऑप्शन बी अ गुड फ्रेंड, ऑप्शन सी डब, ऑप्शन डी कंप्यूटर इंटरनेट। लैंचो वाज एक्सचेंजिंग द लेटर थ्रू विथ गॉड, यानी कि लैंचो अपना जो पत्र था भगवान से कैसे अदला बदली कर रहा था, रेल ए गुड फ्रेंड, डो कंप्यूटर इंटरनेट। तो ऑप्शन नंबर ए है, रेल के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन पा रहे हैं। वाई वाज लैंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप, यानी कि लिफाफे में मनी को देख करके लैंचो आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ। ऑप्शन ए है ही वाज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, ऑप्शन बी ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, ऑप्शन सी ही वाज एन अनग्रेटफुल मैन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, यानी कि उसके भीतर भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच मनी डज द लैंचो नीड, यानी कि कितने रुपए की आवश्यकता लैंचो को थी। 50 पे 100, 100 पे 100, 200 पे 100, 500 पे 100। तो आप सभी लोग लेसन पढ़े, अनुमान लगाइए कितने पे 100 की ऑप्शन नंबर बी 100 पे 100 की आवश्यकता थी। देखिए आंसर में आ भी चुका है, क्वेश्चन नेक्स्ट आप सभी लोगों के समक्ष है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल ही कैन सी हिज रेडी टू हार्वेस्ट कॉर्नफील्ड एलॉन्ग विथ फॉरेस्ट विलेज रिवर वास्ट फील्ड, किस चीज़ के साथ उसका जो खेत था कॉर्नफील्ड जो था वो किस चीज़ से लगा हुआ था। तो लेसन में आप सभी लोग पढ़े ही होंगे, क्या चीज़ थी, क्या क्या चीज़ थी, रिवर थी उसके साथ, उसके खेत के बगल में। हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर, कितना धन मांगा था, उसे कितने धन की आवश्यकता थी। 100 पे 100, 1000 पे 100, 10 पे 100, 500 पे 100, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 100 पे 100 की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंचोज लेटर इंक्लूडेड, ऑप्शन ए यानी कि लैंचो के पत्र में इंक्लूड क्या था, डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, बिलीफ ऑफ बीइंग लूटेड, लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड, यानी कि फर्दर डिमांड आगे के मांग की आवश्यकता थी, उसकी लिस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंचोज होप वेयर बिलाइट बिकॉज द सन लाइट वाज एनफ, द रेन वाज स्टिल गोइंग ऑन, द हेल लास्टेड फॉर एन आवर, द चिल्ड्रन वेयर अनसक्सेसफुल। तो लैंचो की जो आशा थी वो किस चीज़ से बिलाइड थी,
ऑप्शन नंबर सी सही है, द हे लास्टेड फॉर एन आवर, यानी कि ओले 1 घंटे तक बरसे थे, उसी से उसके भीतर क्या थी, निराशा थी, जो आशा थी उसमें, यानी कि उसकी आशा ये थी कि 1 घंटे में वो चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चला जाए, यानी कि जो ओले थे, हेल, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन इसमें ऑप्शन अलग अलग थे, इसमें अलग ऑप्शन है, साल्ट, लोकस्ट, शुगर, आइस, तो क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या है, सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन, कवर्ड इन, ऑप्शन नंबर क्या सही है, इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, सी दे दिया है, ये गलत है। चलिए क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने अगला आ चुका है, ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लैंचोज, नंबर 1 अनवेवरिंग फेथ, नंबर 2 हार्ड राइटिंग, ऑप्शन सी लव फॉर गॉड, ऑप्शन डी डिटर्मिनेशन, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए अनवेवरिंग फेथ, भगवान में उसका अटूट विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ ए लेटर टू गॉड रस्किन बॉन्ड, जेम्स हैरियट, एच जी वेल्स, जी एल फ्लुएंस, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जी एल फ्लुएंस ए लेटर टू गॉड के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एग्जैक्ट विच मीन्स वेरी क्लोजली प्रॉमिसिंगली, ऑप्शन नंबर बी इंटायर, ऑप्शन सी इंटीमेटली, ऑप्शन डी टूवर्ड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, इंटीमेटली मीन्स भली भांति और वेरी क्लोजली मीन्स बड़ी निकटता से, यानी कि भली भांति उसका अर्थ होगा इंटीमेटली, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, पहले भी बताया जा चुका है, जी एल फ्लुएंस जी हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, और इसमें 3 ऑप्शन और भी हैं, जे के रावलिंग, विलियम शेक्सपियर, हराल्ड ढाल, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए राइट है, जी एल फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू इज हियर, व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन, इस लेसन में आयरनी क्या है, लेंचो वाज सैड आफ्टर द हेल स्टॉर्म इवन दो ही वाज द वन वेटिंग फॉर अ शावर, पोस्ट मास्टर लव्ड एट लेंचोज बट स्टिल हेल्प्ड अरेंज मनी फॉर हिम, लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम, तो यही ऑप्शन नंबर सी सही है कि लेंचो ने उनके ऊपर दोष लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, व्हाई डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, किस दिशा में लेंचो ने डाउनपोर आने का एक्सपेक्ट मीन्स आशा किया था, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा से बारिश आने की वह आशा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू, लार्ज ड्रॉपलेट वेयर इक्विवेलेंट टू 5 सेंट क्वाइन, 1 सेंट क्वाइन, 10 सेंट क्वाइन, 2 सेंट क्वाइन, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 10 सेंट क्वाइन, यानी कि इसमें जो पैसे सिक्के से तुलना की गई थी बारिश की, वो ऑप्शन नंबर सी थे, सी है, 10 सेंट क्वाइन से कंपेरिजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द इनवेलप, यानी कि इनवेलप में मनी को देखकर लेंचो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ, ऑप्शन ए ही वाज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, ऑप्शन नंबर बी ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, ऑप्शन नंबर सी ही वाज एन अनग्रेटफुल मैन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ही हैड अनवेयरिंग फेथ इन गॉड,
ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन दे आर न्यू कॉइंस सिमिली मेटाफर पर्सनिफिकेशन अल्ट्रेशन। तो न्यू कॉइंस का यानी कि मेटाफर का यूज किया गया है। लिटरेरी डिवाइस यानी कि कौन से अलंकार, तो अलंकार यहाँ पर रूपक अलंकार मेटाफर का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लैंचोज लेटर। ऑप्शन ए ही वाज अ गुड मैन, ऑप्शन बी ही फेल्ट इम्फैटिक, ऑप्शन सी टू प्रिजर्व लैंचोज फेथ इन गॉड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर सी टू प्रिजर्व लैंचोज फेथ इन गॉड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी कि आपका क्या मतलब है बड़े बड़े बादलों के पहाड़ का। तो देखिए, वेरी हाई क्लाउड्स, वेरी डार्क क्लाउड्स, क्लाउड्स प्रोमिजिंग हैवी रेन, क्लाउड्स मेकिंग हिली पैटर्न। तो ऑप्शन नंबर वन, वेरी हाई क्लाउड्स से यहाँ पर मतलब है ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड का अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, सॉरी, वेरी हाई क्लाउड्स भी बोल सकते हैं, और क्लाउड्स प्रोमिजिंग हैवी रेन यानी कि ऐसे बादल जो भारी बरसात को लाने वाले हों, तो यही सही माना जाएगा। तो इसी पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये MCQ टाइप क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए प्रस्तुत किए गए, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग इसको बार बार देखिए, इस लेसन से बहुत सारे क्वेश्चंस आप आते हैं परीक्षा में, अनसाल्ड में भी आप देख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो ये सारे MCQ क्वेश्चंस आप सभी लोग तैयार कर लीजिए। हो सकता है कि आपको 5-6 क्वेश्चन इसी में से मिल जाए और आप अपने नंबर को सिक्योर कर सकें। हैव एन नाइस डे ऑल ऑफ यू। बट बिफोर गोइंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू हु आर लुकिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गुरुकुल स्टडी टेम्पल एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकान बिकॉज वी प्रोवाइड यू सच टाइप ऑफ वीडियोज एंड इट्स नोटिफिकेशन reach first of all before you. Thanks a lot all of you. Have a nice day.